निश्चय जानू सच्ची। इसको क्या हुआ, फोन को किस क्यों कर रहा है? अरे इसकी आइटम गांव गई है इसलिए फोन पे ही काम चला रहा है। उसका स्कोर क्या हुआ? सेंचुरी मार चुका है। अगर वो कल वाली लड़की लाइफ में आ जाए तो मैं भी सेंचुरी पे सेंचुरी मारूंगा। काश वो दिन जल्दी आए। उसके लिए या तो बारिश होनी चाहिए या कोई रोमांटिक गाना बजना चाहिए। गाना भी बजने लग गया लेकिन वो लड़की। बंटी बाइक को किक मार। मैडम यहां पर नो पार्किंग है। ए छोटा सचिन इधर आ। अबे कुत्ते कमीने, किसका नंबर चिपका के आया है? यहाँ टेंशन से जान सूख रही है यार। उस नंबर में बहुत सारे सिक्स थे। डबल सिक्स था क्या? हाँ। मेरा दे दिया। बिल्कुल करेक्ट। काश तूने तोड़ा, नंबर मेरा चिपका के आ गया। तेरी वजह से मैं फंसूंगा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था यार। मैडम किसी ने हमारी गाड़ी का कांच फोड़ दिया। हेलो आपकी गाड़ी का कांच टूटा है ना? हाँ भैया। यार उसका फोन है। हेलो आपने गलती से मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा इसलिए नंबर लिखा? गलती से नहीं, जानबूझ के तोड़ा है। What? क्यों? तुमने नो पार्किंग में कार पार्क क्यों की थी? उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी कार समाज के बनाए उसूलों के खिलाफ खड़ी थी इसीलिए मैंने वो तोड़ दी। तो अपना नंबर क्यों लिखा? अगर फिर से नो पार्किंग में पार्क किया ना तो कांच की जगह हेडलाइट होगी। वैसे तुम्हारा नंबर मुझे चाहिए था इसीलिए पड़ोसी का नंबर छोड़ दिया। थैंक्स फॉर द कॉल। बच्चों स्विट्जरलैंड बेटर है या बैंकॉक बेटर है? शादी के पहले बैंकॉक, शादी के बाद स्विट्जरलैंड। तो हम स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। अरे हाँ जुबली स्कूल अच्छा है या सेंट पॉल? अबे क्या इस उम्र में स्कूल जाने का सोच रहा है? मेरे लिए नहीं बे, होने वाले बच्चों के लिए। अबे जलेबी की तरह बात को मत घुमा, सीधा पॉइंट पर आना। हे मेरा उस लड़की पे दिल आ गया है। उस तितली के सामने तो फिल्म की हीरोइनें भी फीकी हैं। और भाई लोग अपना स्टैंडर्ड भी किसी फिल्म के सुपरस्टार से कम थोड़ी ना है, है ना? बस जानना ये है कि उसने अब तक कितनों का दिल तोड़ा है। हाय शॉट तुसी ओथे मारिया लगया साडे अथे सोणियो हुण ते हां कर दो। नो वे, इधर क्रेडिट कार्ड इधर डेबिट कार्ड, जेब में स्लिप है पर बैंक में बैलेंस नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है पर तुम्हारा वास्ते एक घर है। मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। मान यद्र नहीं है उसना यार आन बंत्री यमरगंध नहीं शमरो मान रे तैली तो डूब मरो। जानो तुम जानो मेरी। Excuse me, are you ready for a second marriage? আমি তোকে খুব ভালোবাসি। আমি তোকে খুব ভালোবাসি। মাম্মি পাপা কো ভেজু? আচ্ছা কাই করতেস গা? হো বলনা রে। হে, মैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं। ये क्या बात हुई? प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। आई शपथ माना लव साला है। बाती का खंडारा। Nonsense। तो फिर खोप चे में जा। उसके पीछे तो रोमियोस की लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। कुछ ऐसा करना होगा कि मेरा थोबड़ा उसके दिल के अंदर रजिस्टर हो जाए। कुछ सोचना होगा। सानी धप मगरे। बेटा हम मंदिर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना। अंकल जी मिठाई। हे भगवान, पंजाब का ढाबा फिर धावा बोलेगा। अब भाई ने क्या खरीदा बेटा? 100 में से 100 आए हैं जी, मैंने तो फट्टे चक देते।
उनको भी खिला दो बेटा, शायद थोड़ी सी अकल आ जाए हमारा कहीं के। हटो भाई लोग, लॉरी आ रही है। आजा आजा जी लड्डू। अरे इतनी क्या जल्दी है, तुम पहले बैठो। अच्छा गुलाटी, तुमने अपने होने वाले पति के बारे में कुछ सोचा है? पति मतलब घर वाला। पहले पता होता तो गूगल पे सर्च करके आती। सिगरेट ना पीता हो, शराब को हाथ ना लगाता हो, और रोज सवेरे जफियों और पपियां देके मुझे उठाए। ओए मथे पे उल्लू दे पट्ठे, और ऑफिस से जल्दी कार आके मक्की दी रोटी बना के मुझे अपने हाथों से खिलानी होगी। वाओ कितनी घरेलू हो तुम। सच्ची जी, थैंक यू जी। खाना भी उसी से बनवाएगी। फिर रात को ना, रात को मेनू छोटी बच्ची की तरह लोरी गा के उसे सुलाना होगा। बस इतना ही। इस बोरी का बोझ उठाने के लिए 2.5 किलो का हाथ ही चाहिए। अबे मेरी किस्मत थोड़ी फूटी है, ओवर एक्टिंग की औलाद है। ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा समझ में आता है। तो चुपचाप बैठ, एक बात याद रख, आज के बाद फिर कभी यहाँ 100 out of 100 लाने की खुशी में गुलाटी की मिठाई लाई ना, तो तेरी फाइनल एग्जाम की हॉल टिकट पर अपनी फोटो लगाकर मैं एग्जाम दूंगा। नो जी नो। गोलू यस। नो। चीटिंग करने के इल्जाम में तुम्हें अंदर कर देंगे और बेचारा तुम्हारा भाई अमेरिका के एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट करता रहेगा। यस। हेलो, मैं ना एक स्यापे में फंसी हूँ, आई विल कॉल यू बैक। कौन थी? कॉलेज फ्रेंड है? तुम कौन सी कॉलेज में पढ़ती हो? मैं नहीं दसूंगी, मेरी हॉल टिकट चुराना चाहते हो ना, कॉलेज का नाम क्या बताओ? अरे मेरी पावली कम पड़ोसन, तुम बताओ या ना बताओ वो तो मैं चुराऊंगा ही। तुसी ऐदा ना करो, बताती हूँ। बंटे पेन और पेपर लेकर कॉलेज का नाम नोट करो। ठीक है। सेंट फ्रांसिस कॉलेज। रब जी मेरी ना तो अनुई करदास है जी, मैं फर्स्ट आना चाहती हूँ, पूरे 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहती हूँ, और कोई भी मेरे से आगे ना निकल सके, कोई फर्स्ट तो क्या सेकंड भी ना आए, बस इतनी अरदास। सेकंड तो क्या, मैं चाहती हूँ सब फेल हो जाए जी, ना रहेगी कंपटीशन, ना होगी मुझे कोई टेंशन, है ना। तू इतने क्या कर रहा है? तुम्हारी फ्रेंड को टाइटली हग करने के लिए। मैं कंप्लेंट कर दूंगी। मैं हॉल टिकट चुरा लूंगा। ओह नो। यस। देखो उसे तुम्हारे पीछे आने को कहो। ये मुश्किल नहीं ना मुमकिन है। देख रानी, मनुष्य फैसला कर ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अब्दुल कलाम ने कहा था, आज इंसान आसमान में चांद को झप्पी दे रहा है, तो क्या मैं तुम्हारी दोस्त को झप्पी नहीं दे सकता? ट्राई करके देखूं क्या? प्रभु बचा ले, ये पापी नहीं जानता ये कितना पिटने वाला है। वैसे तुम्हारा कांच मैंने ही तोड़ा था। अरे यार मेरी दोस्त को इतना क्यों परेशान कर रहे हो, छोड़ दो प्लीज। बस ये मेरे साथ एक फोटो खिंचा ले फिर मैं गुल हो जाऊंगा। फोटो? फोटो किस लिए? खिंचवा ले ना, इससे पीछा छूट जाएगा। प्लीज। ए, चला जा। हाँ आया भाई। पूरी तैयारी के साथ आए हो? करना पड़ता है मैडम। ए, क्या लग रहे हो? क्या कहा, कंधे पे हाथ रखूं? अपने मन की बात मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? बेचारे की नौकरी चली जाएगी। और रखने दे, पतली थोड़ी हो जाएगी। खींच ले। मेरे मम्मी पापा ने ये फोटो देखी और मन ही मन तुम्हें अपनी घर की बहू मान लिया है, तुम्हें घर पे चाय पे बुलाया है। Don't act too smart. I don't need to act. I'm already smart. क्यों है ना? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, लड़कों में हाई क्लास मॉडल हूँ, ओनली वन पीस अवेलेबल। आ गले लग जा। मुझे एक बात बताओ, प्यार का मतलब दो दिलों का मिलन है या तन की प्यास बुझाने का जरिया? बोलो। लगता है ये भी ड्रामा में काम करती है। कम ऑन, चुप क्यों हो? तन की प्यास बुझाने का जरिया या दो दिलों का मिलन? तन की प्यास बुझती है तो मन को बहुत खुशी मिलती है। Disgusting. अरे रुक जाओ, ये तो कुदरत का नियम है। बैठिए। साले साहब, सिक्योरिटी पर हमें बहुत ध्यान देना होगा, तलाशी लेने के बाद ही किसी को अंदर छोड़ा जाएगा। शादी के कार्ड के साथ ये एक्सेस कार्ड भी दिया जाएगा, कार्ड नहीं तो एंट्री नहीं। इस कार्ड के बिना दूल्हे तक को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्या चाहती है? पर इतनी सिक्योरिटी। बिजनेस की वजह से मेरे कई दुश्मन बन गए हैं, अक्सर बुरे लोगों के पास भरपूर पैसा होता है, लेकिन सारे पैसे वाले बुरे नहीं होते। मेरी बेटी का फोन है। हाँ बेटा बोलो। पापा यहाँ एक लड़के ने मेरा जीना हराम कर दिया है, जब देखो मेरा पीछा करता रहता है, उससे तंग आकर मैंने आपको फोन किया है। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। दीदी कहाँ है? हाँ दीदी यही है।
हेलो मेरी प्यारी बच्ची, कैसी है? अच्छी है ना? ठीक हूँ पापा। शादी की तारीख पक्की हो गई है, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। ठीक है पापा। ए, कोई बच्चियों को परेशान कर रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा। अपने आदमी भेज के उसका इलाज करो। उड़ा दे साले को। जवान लड़की के साथ अक्सर ऐसा होता है, कॉलेज का लौंडा है, हाथ पैर तोड़ के छोड़ दो। क्या बोला? आपकी बेटी को किसी ने छेला और आप सिर्फ हाथ पैर तोड़वाएंगे? अरे अगर मेरा साला होता ना तो उसको मलवा दिया होता अभी तक। छोटे मोटे लफड़ों के लिए अगर मैं लोगों को मारता तो सगाई के दिन तुम्हारा सर धड़ से अलग होता। एक लाइट देना। ये ले। मैंने लाइट्स मांगी थी यार। लाइट समझ के जला ले। तुम्हारी इस टपरी की वजह से देश के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। बेचना बंद कर। क्या बात है, कुआ खुद प्यासे के पास आ गया। कोई बात नहीं, इनकमिंग फ्री है। तुम मुझे इस तरह परेशान करना छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे। जी जी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं यादों का बैंक बना रहा हूँ। शादी के बाद हमारे बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों के बच्चे होंगे। हम फैशन टीवी छोड़कर संस्कार टीवी देखेंगे। पोता पोती तुम्हारे पास भाग कर आएंगे, कहेंगे दादी 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 दादा और तुम्हारी लव स्टोरी बताओ ना। तब उन्हें बताने के लिए कुछ मसालेदार होना चाहिए ना, इसलिए। मसालेदार कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। मेरे बारे में छोड़ो, जब तुम्हारे बच्चे किसी लड़की के पीछे पड़ेंगे तो तुम उन्हें ये समझाओगे, बेटा तुमने अगर अपने बाप जैसी हरकत करी तो लड़की के घर वाले तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अंकल, शकील अंकल। शकील, चार मीनार वाला शकील। यही है वो अंकल। चार बुट्टी अंकल बोलती मेरे को। अभी तो मेरे को स्कूल का कॉलेज का डिग्री होना। इधर का लोग अपने को भाई बुलाते, जैसा फिल्म इंडस्ट्री में सल्लू भाई। उड़ उड़ दबंग देखो ना को। दो क्या? दिखने में तो पायरेटेड डीवीडी बेचने वाला लगता है। कौन है ये ढीला? ढीला मेरे को ढीला बोला? मैं शकील नूरा, काम करता हूँ पूरा, और जो ना समझे उसका चूरा चूरा। और तो मैं बड़ा बड़ा पार्टी में सेटलमेंट कराता, मैं करोड़ों का डीलिंग करता, और ढीला बोलता मेरे को तू। आपका अकाउंट बैलेंस बहुत ही कम है, कम से कम 10 रुपए का रिचार्ज कराइए। हाँ 10 होना 10 होना, ऐसा छोटा मोटा 10 करोड़ का पेमेंट के लिए डिस्टर्ब मेरे को करूँ? मेरे को किधर थे हम लोग? इधर ही थे भाई। ये तेरे को मालूम नहीं है, लोग इधर भाई को 104 बुलाते। 104 यानी बुकार। मेरा नाम सुनते ही बुकार चढ़ जाता है। दुख क्या? लौंडे से बात क्या करने का, देता हूँ सारे। किसी ने लौंडा बोला तो ऐसा छीलूंगा, ऐसा फाड़ूंगा कि दर्जी भी सिल नहीं पाएगा। पहले मुक्कालात, फिर बात, फिर मुलाकात, ये इस राज का उसूल है। देखा आपने कितना बदतमीज है ये, इसके हाथ पैर तोड़ दो।